हेलो एवरीवन, दिस इज AK22। आप सभी का स्वागत है पैल वर्ल्ड में। एंड लास्ट एपिसोड में हम गए थे बहुत सारे पैल्स, अल्फा पैल्स को रेक्ट करने और उनको कैप्चर करने के लिए। एंड यहां पर मैंने इस डेजर्ट में अनुबिस के घर के पास हमारी एक पैल बेस का पैल बॉक्स सेटअप किया है जस्ट फॉर टेलीपोर्टेशन एंड टू गैदर सम रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पर मेटल है और वहां पर देखो कोल, और यहाँ ऊपर भी कोल है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेटअप किया है। पर आज हम जाने वाले हैं थोड़ा सा इस डायरेक्शन में। यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं वो लॉक्ड हैं एंड यहाँ पर एक नाइट विंग है अल्फा पैल जो बहुत ही लो लेवल का है, तो इसको पेलते हैं सबसे पहले। एंड इधर देखते हैं इधर कोई और अल्फा पैल्स हैं क्या। लेट्स गो, आ जाओ पपले। और आप पीछे अनुबिस का बेस और ये हमारा ये बेस, तो हम जा रहे हैं सीधे नाइट विंग के पास में। और डेजर्ट एरिया में अगर आपने आपका हीट वाला आर्मर नहीं पहन कर रखा है, और डेजर्ट में अगर आपने आपका हीट रेजिस्टेंट वाला आर्मर नहीं पहन के रखा है, तो आप जल के पॉपकॉर्न बन जाओगे और फूट जाओगे। हम ये आइलैंड क्रॉस करके आ गए हैं, नाइट विंग यहीं कहीं होना चाहिए, ये तो नहीं है नप। और ये बहुत ही पपलू नाइट विंग है, लेवल 18 का है, तो ऐसे ही रैक्ट हो जाएगा। एंड हम किस किस को लाए हैं, हमारे अनुबिस, ग्रिसबोल्ट, लुनारिस, रिलैक्सोलॉक्स एंड हमारा फैंग। और आगे ये शायद ओपन में, येस वो रहा विंग्स ऑफ द फिरमामेंट। व्हाट्स दैट, मैं किससे फाइट कर रहा हूँ इसकी ब्रा। लक्स से ग्रिसबोल्ट, ग्रिसबोल्ट से, चलो ग्रिसबोल्ट से फाइट कराते, देखते हैं इसकी मिनीगन कैसे काम करती है, दूर से पेलने में इसको, और क्या रेंज है इसकी। आ जाओ इस तरफ आओ ब्रफ, मैं पहले इसको उंगली कर दूँ, नहीं उंगली करने में मर जाएगा ये। ओके माउंट एंड शूट। बस 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 बस, उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ, बैठ जाओ अंदर बैठ जाओ, उसको मारना नहीं है मुझे, उसको कैप्चर करना है। सो इस बॉल में आ जाएगा। 48 कैसे हो गए इसकी हेल्थ, ओवर टाइम डैमेज मिला कैसे। हाइपरस्फीयर हाइपरस्फीयर, लेट्स गो, कम ऑन, नो, व्हाट द हेल ड्यूड। इसको नॉर्मल स्फीयर से ही पकड़ेंगे फिर। अब हम कौवा मैन, इज इन, फालतू में हमने हमारा हाइपरस्फीयर खराब करा भाई, रैक्ट कर दिया इसने तो ग्रिसबोल्ट ने। करता क्यों नहीं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही लो लेवल है, 20 लेवल पीछे चल रहा था नाइटविंग। और एक और अल्फा पैल डिफीटेड, मुझे यहाँ पर का एक और चेक पॉइंट है जो उसको अनलॉक करना है, फिर हम ऊपर चलते हैं। ये बहुत ये जगह भी अच्छी लग रही है, मस्त कोकोनट ट्रीज है, थोड़ी डेंस लग रही है दूसरे आइलैंड्स के मुकाबले, ये थोड़ा डेंस लग रहा है क्योंकि इसमें छोटे छोटे ट्रीज भी हैं, छोटे प्लांट्स सॉरी। हेलो, मैंने अभी पता है हम दूसरी जो सीरीज रखेंगे ना उसमें अच्छी वाली बेस लोकेशन इस प्ले थ्रू से मिल जाएगी, तो हम उसमें फिर उसको अप्लाई कर सकते हैं। और नो बॉल्स वाले में हमारी एकदम ईस्ट साइड में है, साउथ ईस्ट साइड में। टेम्पेस्ट यूज़ करो, ये टेम्पेस्ट इसका पता रूडोल्फ से लिया है लगता वैसे ही है इसका जो अटैक है, रूडोल्फ है ना आर्क प्राइमल फियर में, सेम बस उसके पिछवाड़े से एक एल्पेस सी, अच्छा मैंने कर रखा है इसको हेल्प सी सॉरी, उसके पिछवाड़े से रेनबो निकलता है, हमारे फैंग के पिछवाड़े से कुछ नहीं निकलता है। नाइस, इधर भी एक कैंप है, देखता हूँ, कैंप कभी छोड़ता नहीं हूँ मैं, क्योंकि इसमें रेयर पैल्स इजी पीजी मिल जाते हैं। पेंगुलेट गेट्रेक्ट पेंगू, तो मैं कोई छुड़ाने नहीं आएगा। ओके सो मैं इस तरफ जाता हूँ, इस तरफ से फिर हम उधर जाएंगे, फिर हमारे पास शायद हमारी पूरी मैप ओपन हो जाएगी, क्योंकि इस तरफ के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए हमने, एक भी पैल बचा नहीं है अब। कम ऑन, जब हमारे सारे पैल्स हो जाएंगे ना ख़त्म अल्फा पैल्स, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ वैसे इससे और अच्छा माउंट क्या ही मिलेगा हमें, वही है अब ये फ्लाइंग माउंट का भी काम कर देता है। फ्लाइंग माउंट सबसे अच्छी चीज़ है कि माउंटेन्स में चढ़ने या ऊपर देखने में ज़्यादा काम आता है, जैसे इसके ऊपर एग रखा वो हो बोय। कम ऑन, नाइस, देखा ये रहा रॉकी एग, नाइस। ए ए ए शीश, यहाँ पर बॉस है क्या, लग तो ऐसा ही रहा है कि इधर बॉस लोकेशन है। ओके मुझे मेमोरस जितने भी मिल रहे हैं मैं इनको मारने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी पैल ऑयल चाहिए और इनसे बहुत अच्छा पैल ऑयल मिलता है। टेम्पेस्ट उड़ा दो, नाइस, स्पाइक ब्लिजर्ड भी बहुत अच्छा डैमेज देता है, सी इरेक्ट कर दिया इसने तो, जीज 24 पैल ऑयल, हाई क्वालिटी पैल ऑयल यहाँ पर। ओके नाइस, ये जगह देखो ये बहुत मस्त लग रही है, ओपन है एक बेस बिल्ड करने के लिए, और पीछे माउंटेन भी है, वाओ। ये याद रखना फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पर भी एक छोटा सा सेक्शन है, इसमें अपन पता है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बीच में पैल बॉक्स लगाओ, एक पैल बॉक्स उधर लगाओ, एक पैल बॉक्स उधर लगाओ, पर सेंस नहीं बनता है। अगर आपको बेस बनानी है ना, तो इसमें तीन बेसिस आप बना सकते हो पूरे वर्ल्ड में, तो हर एरिया में, जैसे स्नो में एक, हाई डेजर्ट में एक, और नॉर्मल बायो में एक, अपने पैल बॉक्स लगा के रखो।
ओके कौन है यहाँ पर, और कोई है क्या? जगह बहुत अच्छी लगी मुझे, वो रहा हमारा 8K रेजोल्यूशन वाला एल्डर ट्री, देख रहा है? उसके पास आप जा नहीं सकते कभी भी, यू कांट रीच इट। मुझे ये जगह अच्छी लग रही है, आइलैंड अच्छा लग रहा है मुझे, कोजी कोजी फील आ रही है इसका, एकदम डेड डिजर्टेड नहीं लग रहा है। नाइस, ओ वो रहा चेक पॉइंट, यहाँ पर टी फैंस हैं और सब नॉर्मल वाले, पेंगू घूम रहा है यहाँ पर। ओके तो एक और प्ले थ्रू होगा, उसमें हम यहीं पर ही बनाएंगे हमारी बेस यहीं पर बनेगी। और एक और चीज रहती है, फास्ट ट्रैवल पॉइंट को अनलॉक करने से आपको टेक्नोलॉजी पॉइंट्स भी मिलते हैं। ये अर्ट्री के पास में है सबसे ज्यादा ये लोकेशन, यहाँ पर एक पप्लू बैठा है, वर्डन चैलेंजर, वर्गन चैलेंजर, क्या करता है ये? इसको भी धोया है शायद, ये इसको भी पेला गया है। कोई नए पैल्स? ओह इधर सिंडिकेट फॉन है, नाइस। ये जगह भी अच्छी है, ये छोटा सा आइलैंड ट्रीज है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है ये जगह भी बेस बिल्ड करने के लिए। नाइस नोइस नोइस नोइस, छोटू आइलैंड। मैं पूरा चक्कर लगा के आ रहा हूँ, देख रहे हैं इधर कोई अल्फा पैल बचा है क्या। यहाँ से सीधे जाओगे ना तो उस पेड़ से टकराओगे फिर जाकर। वो इधर केव है, एक डंजन मिली है हमें राइट ओवर हियर। व्हाट एल्स? कोई नया पैल नहीं नजर आ रहा, शायद हमने सारे पैल्स जो हैं वो देख लिए। अब जो पैल्स बचे हुए हैं वो आइस रीजन और वोल्केनो रीजन में बचे हुए हैं, बाकी नॉर्मल एरिया में हमने, नॉर्मल बायोम है ना, उसमें सारे पैल्स देख लिए हैं, डिस्कवर्ड एवरी पैल। ओके एक और चीज मुझे देखनी थी, हमारा पैल डेक 99 है, हमें एक और चाहिए हमें सेंचुरी के लिए। कौन से हैं जो हमने अभी तक टेम नहीं किए? एक और फॉरगॉटन आइलैंड, चर्च रुइंस है ऊपर, गजब गजब की मोबिलिटी एंड जंप है इसकी, रीच देखो, हम सीधे यहाँ से जंप करके ऊपर जा सकते हैं। अंडा, नाइस। ओके एक और मेमो घूम रहा है यहाँ पर, इसको भी पेलो। डेड, टू अटैक्स में तो रेक्ट हो गया ये बेचारा, 31 लेवल का मेमोरेस्ट, 27 ऑयल और मिला। इधर क्या है? ओह ये भी अच्छी जगह है बीज बनाने के लिए, एक अंडा रखा हुआ है वहाँ पर, एंड क्या मस्त लग रही है जगह। इन्होंने मैप्स भी बहुत अच्छे बनाए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के फेंक दिया, पैल्स पे मेहनत करी है बस इतना हो गया हमसे, पर इन्होंने मैप पे भी बहुत मेहनत करी है, दिखता आएगा। ओके एक और मेमो, इसको बताए सबसे पहले एक क्लाउड बर्स्ट मारो फिर स्पाइक ब्लिजर्ड मारो तो ये मर जाता है। सी ओ बच गया, नाइस। अरे यार मुझे कैप्चर कर लेना था, 1 HP पे था ये। तो यहाँ का अनलॉक हो गया, पर यहाँ पर कोई बॉस नजर नहीं आया, यहाँ पर बॉस नहीं है क्या? इस आइलैंड पे देना चाहिए था इनको बॉस, व्हाई नो बॉस। चलो ये वाला डिस्कवर हो गया, अब इस वाले आइलैंड पे चलते हैं हमारे टूवर्ड्स ईस्ट। ओए ओए ओए, अब बॉस है रीना, ये मैप में क्यों नहीं दिखी मुझे? ओ अब अनलॉक हुई है, फेल बैट हुआ है अपीयर इधर, और इसको करने वाले हैं हम रैक। किससे रैक्ट करें हम इसको? ग्रिसबॉल्ट से कर लिया, इस बार हम लैक्स नहीं है यार, अंदर मजा नहीं आएगा। स्माइल्स देखते ट्राई करके देखते हैं एक बार, पहले इससे उतरो। अरे उतर जा भाई, लेट्स गो इन। ओके नाइस, ध्यान रखना मुझे इसको पकड़ना है, हाइपर बॉल रेडी है हमारी, मैं इसकी मिसल्स यूज करने वाला हूँ लैक्सी बॉय की। शीश, ये पता है नॉक कर देती है, पर इसके लिए रेंज चाहिए, आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है तब पड़ती है ये। पर ये भी चीज़ है कि फिर एक में ये नॉक हो जाता है, सी एक मारा एंड ही इज नॉक्ड आउट। अब इसको लड़ने देते हैं हम यहाँ पे, लेवल 23 का है, थोड़ी तो फाइट देगा ये। नाइस, हाइली इफेक्टिव अगेंस्ट फेल बैट, नाइस नाइस नाइस। देखो इसमें लिखा हुआ आता है जो भी पैल आप किसी से लड़वाते हो ना कि किसके अगेंस्ट कितना इफेक्टिव है, और ये हमारा जो है डार्क टाइप है फेल बैट, और लैक्स हमारा ड्रैगन प्लस इलेक्ट्रिक्यूटर एलेक्सिक्यूशनर है। हेडशॉट दो, मर जाएगी ये एक हेडशॉट में, तो कितना डैमेज दिया, नाइस। और अभी हमारे लैक्सी की कोई हेल्थ भी नहीं गई है, 291 का डैमेज है। नहीं नहीं नहीं, मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग आपस में फाइट करो, मेरे ऊपर मत आओ, मैं इसको नहीं मारूंगा, अभी मारा तो मेरे ऊपर एग्रो हो रही है, ये हॉन्ग्री हो गया अब। नॉइस, हमारा लैक्सी बॉय, इसको खाना खिलाओ पहले, ले भाई ये खा तू प्राइम मीट। ओके मरने वाली है, मुझे ध्यान रखना है कि इसको, ओ शिट हेडबट दिया, उई नाइस, जला दो। मैं 100 के अंदर आएगी फिर मैं इसको कैप्चर करूंगा, जब तक हम इसको लड़ने देते हैं। 20, ओ आ जाओ, नहीं तो मार देगा। कम ऑन लेट्स गो, मैं स्पाइक मारूंगा ऐसे, देखते हैं अगर बाहर निकलती है तो, वैसे तो नहीं निकलेगी, ओ निकल गई ड्यूड। नाइस, 102 HP है, अब तो हो जाना चाहिए।
ये जरूर। शीश, ये हमारी फिफ्थ फैल बैट है, बाकी हमें शायद कीव या नाइट में मिली होगी, पर ये अल्फा पैल फर्स्ट था। मजा आ गया, अच्छी फाइट थी। लैक्स का ये रहता है, एक ग्रेनेड मिसाइल लॉन्चर लगता है और फिर वहां पर नॉकआउट हो जाते हो, तो बड़े टारगेट्स के लिए अच्छा है, जैसे मेमोरिस्ट हुआ, एल्फेडन, रेक्सो, दूसरा रिलैक्सिस और फैल बैट को हमने कैप्चर कर लिया है। एंड वी आर गोइंग टू गो ऑन दिस आइलैंड। ये तो ऊंचा लग रहा है मुझे ज्यादा ही। यहाँ पर एक था बॉस नाइट विंग, वो मर गया। ये दोनों आइलैंड अच्छे लगे मुझे, वेरी गुड। यहाँ पर से हमने एग लिया था ना, यहाँ पर क्या बना हुआ है, कुछ बना हुआ है शायद ऊपर। हम आइस बॉयंस चिपक गए, शायद स्नो बायोम आ गया सामने। इधर बॉस है क्या कोई? नहीं, स्नो बायोम नहीं है ये, ये बस ये क्या मार्बल है, व्हाट इज दिस? आई थिंक इधर एरिना होगी। पपलू पपली भी घूम रहे हैं यहाँ पर, फ्री बनी है, ई फैंस का स्पॉन है। एनीथिंग एल्स? हेलो, कैप्रिटी घूम रही है, अभी बहुत बड़ा है अभी, और हमें घूमना पड़ेगा, देखते हैं। टेलीपोर्टर चेक पॉइंट नहीं है, ओके वो रहा नीचे। हाँ, इसमें मैं मल्टीप्लेयर वर्ल्ड में आया था मैं इस तरफ, हाँ मुझे याद है, हम इस पेड़ की तलाश में जा रहे थे और ये चेक पॉइंट मैंने अनलॉक करा था उस पर, उस टाइम पे। नाइस, नोइस नोइस, व्हाट डू वी हैव हियर? नथिंग, होना चाहिए एक ना एक बॉस होना चाहिए साइलेंट पे। अभी हमने नाइटविंग को हराया, फैलबैट को हराया, दो पैल्स हो गए। बीच में जाके देखता हूँ, बीच में कोई ना कोई होगा, क्योंकि कॉर्नर पे ओह दिस लुक्स लाइक अ बैटल एरिना। नो, ओके आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है। ए डूमुड, डूमुड बॉय, बेचारा डूमुड यहाँ पर है, लेवल 14 का है, और अरे इस तरफ है। एक बॉस मिला पर बहुत पपलू है डूमुड का। ओह ये इसका पॉन्ड है क्या, डूमुड का इस प्राइवेट पॉन्ड? अब मुझे इसको, मैं इनसे हमारे पैल से तो लड़वा नहीं सकता, क्योंकि इनसे लड़ेगा तो मर जाएगा, इसलिए मुझे इसको इसी से मारना पड़ेगा, और हाइपर बॉल से ही कैच कर लूँगा मैं इसको। मैं क्लोज रेंज जाके मारता हूँ इसको, सी, नाइस, आ गया, नहीं आया रे पापा, अब आ जाएगा। 190 हेल्थ हो गई है, कम ऑन, नाइस। फैल ऑयल ऑल प्रीशियस एंट्रेल्स दिया इसने, जगह एकदम लवली लग रही है, ऐसा रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना है एक बार ऐसे आइलैंड्स। ओके आई थिंक दो बॉस है, ये पता है स्टार्टिंग जोन है, ये एक और स्टार्टिंग जोन है, तीन जगह पे, एक यहाँ पर है, ये जहाँ पर हम हुए थे, एक यहाँ है, और एक शायद ये वाला स्टार्टिंग जोन होगा। देख के ऐसे लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत लो लेवल प्राणी घूम रहे हैं, और डूमुड आपका फर्स्ट बॉस हो तो क्या बात है। हमारा फर्स्ट बॉस मेमोरिस्टा लेवल 38 का, जिसको हमने कल पेला और लाइव स्ट्रीम में उसको टेम भी किया था, कल यूट्यूब पे सेकंड चैनल पे हमने लाइव स्ट्रीम करी थी, उसमें उसको ऑलमोस्ट मरने वाला था, मजा आया पर उसे फाइट करने में। ही वॉज अ गुड फाइटर, ही इज अ गुड फाइटर। ओके शो, हम इस तरफ चलते हैं, उधर देखते हैं कुछ छुपा बैठा है क्या मेंढक उस कोने में। वहां जाने से पहले हम जहां पर हमने लास्ट स्नो बायो में घूम रहे थे ना, उसके पास वाले आइलैंड पे जाएंगे, वो भी शायद से डेजर्ट है। यहाँ पर हमारा पैल बॉक्स यहीं लगा रखा है, तो यहाँ से टेलीपोर्ट मारते हैं, हमें जाना है यहाँ पर। एंड यहाँ पर चटनी बन रही हमारी, इससे पहले कि कुछ हो, पहन लो हमारा पेल्ट आर्मर, ए नाइस, सॉरी कोल्ड रेजिस्टेंट आर्मर, चल मेरे घोड़े। ये सब आपने देखा था कल, कल की वीडियो में हमने यहाँ पर सिप्लिक्स को हराया था। ये बायोम भी अच्छा है, पर यहाँ पर बेस बनाना एकदम लोनली लगता है, सब जगह स्नो ही स्नो, नॉट अ सिंगल सोल अलाइव विच इज नॉट फ्रोजन। ए इधर अंडा लोकेशन है, अंडा देती हमको स्कॉचिंग एग, गीगास्फीयर इजी वीजी। ये है वो जगह जहाँ पर हमने, वो देखो सामने वाली जगह दिख रही है आपको, ये डेजर्ट है क्या, वो वहाँ जाके पता चलेगा मुझे। तो हम नीचे कूदी मारते हैं, और किस तरफ से एंटर करें, हम राइट हैंड साइड से एंट्री करते हैं। आ जा रहा है हीरो। बड़े पैल्स के लिए बड़ा खाना भी होना ज़रूरी है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे ये फिर। किसी को पसंद आया ना आया हो, मुझे बहुत पसंद आया है मैप डिज़ाइन इनका। एक और पपलू वर्डन टैग, ये देखो ये है विक्सिन, इसको हमने टीम कर लिया है, वैसे बहुत सारी टीम करी है पर एक स्पेशल रीज़न के लिए। पता है इसमें लावा के ऊपर से भी निकल के जाओ फिर भी साला इतना डैमेज देता है, शायद मैंने पेल्ट आर्मर पहना हो इसलिए। ऊपर चढ़ते हैं एकदम टॉप पे, देखें क्या मिलता है वहाँ पे, मैं चढ़ भी पाऊँगा कि नहीं। चढ़ेगा चढ़ेगा, हमारा हीरो चढ़ेगा। अरे यार ये नीचे क्यों गिर रहा है बार बार, ये मुझे इधर फ्लायर चाहिए, एक डबल जंप नहीं सिंगल सिंगल जंप, डबल जंप में ये स्टैमिना रुक जाता है इसका, तो इधर से जाना पड़ेगा। एफजी है उसके ऊपर, मुझे क्रॉस करने के लिए क्या फ्लायर चाहिए फिर इसमें, नहीं नहीं इधर से गैप है ना, ये उसके टॉप पे एक एफजी रखी हुई है। डैम माउंटेन्स, नाइस, ये वाला भी क्रैक है बीच में से, ये वॉल्केनो नहीं है, यहाँ पर मैग्मा क्रैक है देखो। और यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, एक बॉस थे जो हमारा ये था वर्डैश फाइटर और योरमेंटाइड नीचे,
दोनों को डिफीट कर दिया हमने। अब चलते हैं नई बायोम की तरफ, जो हमें मिलेगा वहाँ। होप मैं मरूँ ना इसमें गिर के। लेट्स हम टेम्पेस्ट यूज करते हैं। नाइस, आई थिंक ये डेजर्ट है। डेजर्ट है क्या? कौन सा बायोम है? चढ़ने दो रे बाबा, हमको ऊपर चढ़ने दो। ऐसा का करते तुम? ये इट्स डेजर्ट। और लगता है हमारे डेजर्ट आर्मर की बारी आ गई है। पसीने छूटने लग गए थे हमें, पर ये कुछ ज्यादा है, ज्यादा ही। Is this Robin Quiltera? Hello, Mr. Robin. कहाँ भाग रहा है ये? Dude, chill. You are a warrior, not a coward. भागने का नहीं। So ये एक और वर्जन है Robin Quill का। अब मैं इसको इसी से मारूंगा और शायद हमें यहाँ पर अच्छी वाली बॉल्स इसके ऊपर डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे तो टेम होने वाला है नहीं। काम करता हूँ, उतर जाता हूँ, पाइक मारते हैं इसको। Come on, please. Don't waste my balls. Oh no. Nice, 1 HP. 1 HP पे तो हो जाना चाहिए। नहीं हो जाएगा, नहीं होगा तो फेल दूंगा मैं। हो गया Robin Quiltera और हमारे 100 pals captured. See, registered 100 pal. हमारा Robin Quill 101 था। नाइस, आ जाओ बाहर। लेवल हमारा बड़ा क्या नहीं, 47 पे ही अभी। What is this? Daisy? अच्छा, इसको तो मैंने कैप्चर कर लिया, ये पकड़ के रखा है हमने डेजी को। ये हमें एग में से मिली थी, यहाँ मिलती है। लेवल 32, ये तो डेंजर जोन है, डेंजर जोन पर हाई लेवल पैल्स घूम रहे हैं। ये कौन है? सुजाका, सुजाकू, लुक्स लाइक अ स्ट्रीट फाइटर कैरेक्टर। डैम बॉय, लेवल 41। हेलो, इसको टेम करने का मांगता हमको। फाइव ब्लिजार्ड मारो। वाह, ऊपर से निकल गया उसके। ओ फायर ब्रीदर है ये तो, मजा आएगा इसके साथ फाइट करने में। यस, वर्ड द अपोनेंट, बड़े दिनों बाद। And he got fire tornado. Geez, take this in your head, mate. Tempest मारे, मारना मत बस इसको, इसको बचा के रखना हमको। एक और Tempest, आग लगा दी इसने। Okay. 2% चांस है, 2%। लगता है अल्ट्रा बॉल का खिलाड़ी है ये। अल्ट्रा बॉल इट इज डन। मेरे पास पिस्टल है क्या? पिस्टल नहीं है। मेरा बो 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 बो, वेयर इज माय बो? इट इज माय बो। ड्यू चिल, मार डालेगा ये हमको। नाइस, आई थिंक ये लेजेंडरी बॉल के लिए बना है। नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे हम? हो गया, यस, सुजाकू इज कैप्चर्ड। भाई ये तो टफ वॉरियर था, ऑलमोस्ट मरने वाले थे हम, बच गए। पर सीख कबाब बना देता ये भी हमारा। डेंजर डेंजर डेंजर, और मेरी लेजेंडरी बॉल खत्म हो गई है। गॉड डैम इट, एक अल्ट्रा बची है, दो अल्ट्रा बची है और 30 विद हाइपरस्फीयर। जीजीज, नाइस। तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर, ये हमारा कौन सा एनकाउंटर था? पेल्डेक 101, एनकाउंटर्स 104। अब मैं इनसे पंगा नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़े हैवी हैवी गन्स है। चढ़ जा भाई मेरे ऊपर, चढ़ जा। अरे रे रे रे, लार्ज कॉमन एग एंड वी आर ओवरवेट। ड्रॉप करो, फालतू की चीज़ है। मतलब ये शायद हो सकता है कि सुजाका, नहीं वो स्कॉर्चिंग एग होगा, इसका नहीं होगा। पर होगा तो कोई अच्छा ही पैल होगा, इसके अंदर से निकलेगा लार्ज मिला है तो। और मुझे देखना है कि यहाँ पर से ऊपर जाने की जगह है कि नहीं। डू डबल जंप करने आती है तुम्हें? लगता है मुझे वापस जाना पड़ेगा इधर से घूम के। यहाँ पर तो बेस बनाना मतलब कि आप एक और सुजाकू है। मैं अनुबिस से फाइट करवाता हूँ इसकी। अनुबिस इसको आराम से रेक्ट कर देगा, क्या बोलते हो? यप्पो, उतर जाओ। तुम ना लड़ो इससे, मैं नीचे से ग्राउंड फाइट लेता हूँ और ये ऊपर से मारेगा इसको। ओके, पहले मैं अंडा ले लेता हूँ। लार्ज इलेक्ट्रिक एग, इसमें से ग्रिस्वोल्ड निकलना चाहिए। आ जाओ सुजाकू, कम हियर, देयर इज योर टारगेट अनुबिस। अरे यार, मैं इससे बचूंगा कैसे? पर ये मुझे पेड़ डालेगा इसे। नाइस डैमेज। ओके, इजी टॉन्टेड। ओ बॉय, अरे रे, इसकी तो पिचकारी निकाल दी इसने। वाओ, अनुबिस को हम और कितना लेवल अप करेंगे? ज्यादा लेवल अप कर दिया तो फिर ये तो रेक्ट कर देगा ऐसे ही सबको। ऐसे मारा जैसे चिकी पी हो उसके सामने। हम यहाँ पर गोल गोल इसलिए घूम रहे क्योंकि हमारा ऊपर जाने का चांस नहीं है यहाँ पर। हम फ्लाइंग माउंट भी लेके नहीं आए। ओ, यहां से है ना रास्ता। इधर क्या है? फैला हुआ है आइलैंड। इन्होंने बहुत बड़ा बनाया मैप, तो बहुत ज्यादा ही बड़ा बना दिया। अरे यार, ये डार्क एग है, हमें स्कॉर्चिंग एग चाहिए। अगर स्कॉर्चिंग एग मिल गया ना तो समझ लो वो होगा किसका एग? इसी का। अब मैं यहाँ से नीचे तो चले जाऊँ।
जाऊं, पर यहाँ से ऊपर आने का रास्ता है कि नहीं, मुझे लगता कि वहां पर कुछ मिलेगा। हमारे पास फ्लायर आएगा ना, फिर हम जाएंगे फ्लायर लेके और ऊपर चढ़ेंगे। अब इधर से ऊपर चलते हैं। हाई लेवल नाइट विंग्स घूम रहे हैं इन अवर विसिनिटी। नॉइज, ये क्या है? कोल मिला है, डोडोरेक्स की सेना, सॉरी टोको टोको की सेना। डोडोरेक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं? रेहाउंड यहाँ मिलते हैं। ओके, वाओ, 1 HP लिटरली। ये हमारा सेकंड ग्रेहाउंड होगा। नाइस वन। एंड इधर क्या है? डायनोसॉर्म लक्स। हेलो मिस्टर, वेयर आर यू गोइंग? टेक दिस, थैंक यू। आइस स्पाइक मारूं क्या मैं? से आइस स्पाइक मारूंगा, मर जाएगा ये। टेम्पेस्ट मारते हैं। ओह शीश, आइस स्पाइक नहीं मार सकता, आइस स्पाइक बहुत ज्यादा डेडली हो जाएगा इसके लिए। ऐसे ही टेम करते हैं। अब मुझे हाइपर स्फीयर, हम हमारे नॉर्मल पैल स्फीयर बन गए इस इलाके के लिए। ओए सी, लगता है नीचे जाना पड़ेगा मुझे। थोड़ा सा और HP नीचे गिराओ। और ये इलेक्ट्रिक टाइप है। हेल नाउ, क्या अल्ट्रा स्फीयर का टाइम आ गया? हो गया। नाइस 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 नाइस। ओके, सो एनकाउंटर बढ़ते जा रहे हैं। ये तो हाई लेवल है एकदम। शुरू में यहाँ पर आके सर्वाइव कर जाओ तो आप 30 लेवल ऐसे ही पहुंच जाओगे इनको पेल के। पर वही है, ऐसा बहुत मुश्किल है, समझे ना, बहुत मुश्किल होता। यहाँ पर हमें लेदर पड़ा हुआ मिल रहा है नीचे। हमारी इन्वेंटरी फुल हो गई है। हीट वेव्स चल रही है इधर, खजाना। देखो ये इलाके में ऐसे घूम लाओगे ना बिना आर्मर के, बिना हीट रेजिस्टेंट आर्मर के, तो मर जाओगे। एक और सुजाकू है, इसको तो हम अनुबिस से पेलते हैं, वही इसको सबक सिखाएगा। आ जाओ। उड़तबर बहुत मस्त लग रहा है। एक हमने कैप्चर कर लिया है, कैसा फ्लायर वो पता चलेगा। अनुबिस को देख के डर गया कि हो बॉय। अनुबिस, वुड यू केयर? सॉरी, यू डोंट केयर, यू डोंट गिव अ एस। नाइटविंग भैया, क्या चल रहा है? कैसी तबीयत है यहाँ पर? वहाँ पर बहुत पहले जाते थे, यहाँ पर तो तुम मस्त 35 लेवल पे घूम रहे हो। रॉबिन क्विल की सेना, रॉबिन क्विल तेरा की सेना खड़ी है सामने, मार दो सबको। शिट, आइस स्पाइक लगा दिया इनको। यो, टेक दिस। यो, एक और आ गया शिकार, बेचारा एक मर गया इसका दोस्त। आओ बच्चे हमारी शरण में। सॉरी, टेम्पेस्ट ही मारा। नाइस, एक्वा ब्लास्ट इन योर फेस। जी जी, आर्मर तोड़ दिया। हेडशॉट मारू क्या? से मारते। मिस्ड बॉय, यू मिस्ड। उतर के फाइट लेता हूँ, स्पाइक मारूंगा मैं इसको अगर निकला तो। ओह शिट, ही वाज टू निम्बल। ओके, अभी तक कोई बॉस नहीं दिखाया हमें। होली, बहुत दूर आ गए हम। ओके एवरीवन, सो यहाँ पर हम हमारे इस एपिसोड को एंड करते हैं। और कल के एपिसोड में एक स्पेशल एपिसोड तो नहीं कह सकते, पर इट इज गोइंग टू बी गुड, क्योंकि हम एक मोस्ट वाला पैल को पावर अप करने वाले हैं। और आपको पता है कि वो कौन सा पैल होने वाला है, तो आज के कमेंट सेक्शन में जो हमें बताएगा कि कौन सा पैल होगा, वो उसे मिलेगा एक स्पेशल शाउट आउट कि कल के वीडियो में क्या आने वाला है। तो सी ऑल गाइस। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं पैल वर्ल्ड की, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं। एंड अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम्स देखना चाहते हैं तो twitch.tv/1822 पे मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ, जिसमें मैं किसी भी पैल को कैप्चर, बिना कैप्चर करें हम उस गेम को बीट करेंगे। इजी पीजी। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, सी यू।